जो पाकिस्तान में सूरत हाल चल रही है, डू यू थिंक दैट इट विल इंपैक्ट सिचुएशन इन? देखिए, शहीद बटू साहब कहते थे कि जो हिंदुस्तान है वो जमहूरी डेमोक्रेसी के शोरगुल की वजह से जिंदा है। आज मुझे लगता है पाकिस्तान में भी जमहूरियत का शोरगुल चल रहा है और कहीं ना कहीं उस मुल्क में भी डेमोक्रेसी जड़ पकड़ रही है। पर हम चाहेंगे कि एक स्टेबल मुल्क हो, हमारा हमसाया है वो स्टेबल हो वहाँ पर, और वो किसी जल्दी कोई फैसला कर लें ताकि वहाँ के जो जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जमहूरियत का बोलबाला है वहाँ भी हो जाए और वहाँ भी कोई सरकार बने या इलेक्शन हो जो वो चाहते हैं तो अच्छा रहता है। हमारे वहाँ हमसाया मुल्क में अच्छी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है। तो मैम, रिसेंटली एक एडवाइजरी निकली थी पुलिस के द्वारा जिसमें कहा गया था जहाँ पर भी एनकाउंटर होगा वहाँ पे जो मकान मालिक होगा उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी, इस बारे में आपको क्या? ये तो बहुत गलत है। देखिए, ये पूरी कौम को सजा दे रहे हैं। अगर आपकी जंग मिलिटेंट के साथ है, आप मिलिटेंट को पकड़िए, मिलिटेंट के साथ जंग लड़िए, पर आम इंसानों ने क्या किया है? अभी परसों हमारे कश्मीर पंडित भाइयों पे हमला हो गया तो कोई 100-150 लड़का इन्होंने वहाँ बंद कर लिया। इसी तरह कल जामे मस्जिद में कुछ हो गया तो वहाँ से भी कई लड़कों को पकड़ के पीएसए में। तो ये तो ख्यालात की जंग है, जमहूरियत ख्यालात की जंग होती है। आप एक इंसान को कैद कर सकते हो, उसके ख्यालों को आप कैद नहीं कर सकते, उसको जेल में नहीं डाल सकते हैं।